जिंदगी में कुछ भी होने से पहले ईमानदार होना जरूरी है। ये डायलॉग है फिल्म अंग्रेजी मीडियम का। जी हाँ, बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर इरफान खान का सफर इतना आसान नहीं था। उनका जन्म आज ही के दिन 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में एक शाही खानदान में हुआ था। दरअसल युवावस्था में इरफान एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। बाद में NSD से स्कॉलरशिप प्राप्त होने के बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया। 1984 में इरफान ने NSD से डिप्लोमा किया था। इरफान खान के शुरुआती दिन काफी चुनौतीपूर्ण थे। उन्होंने AC रिपेयर करने का भी काम किया था। सलाम बॉम्बे फिल्म से डेब्यू किया था, जो 1988 में रिलीज तो हुई, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसमें उनका रोल फिल्म से हटा दिया गया था। उन्होंने करियर की शुरुआत में चाणक्य, भारत की खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, अनुगूंज, श्रीकांत, स्टार बेस्ट सेलर्स एंड स्पर्श जैसे TV सीरियल्स में काम किया था। इरफान खान को पहचान मिली लंदन बेस्ड डायरेक्टर आसिफ कपाड़िया की द वॉरियर फिल्म से। इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में स्लम डॉग मिलियनेयर, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, किस्सा, तलवार, पीकू जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्हें पान सिंह तोमर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वहीं 2011 में कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया।